स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग अगले वीडियो में लाइकेन को कंप्लीट किया था, उसमें हम लोग क्या जाने थे कि जो लाइकेन होते हैं वो सहजीवी प्रकार के होते हैं, ठीक, साथ साथ जीवन यापन करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ इनका निवास स्थान होता है? ये चट्टानों पर भी पाए जाते हैं, वृक्षों की छाल पर भी पाए जाते हैं, या फिर कह लीजिए कि कोई लकड़ी का बूटा रखा हुआ है, ज़्यादा दिनों का हो गया है, डेड हो चुका है, उनके ऊपर भी उठ जाते हैं। तो इस प्रकार इनका निवास क्या होता है, काफ़ी जगहों पे होता है। और ये कवक और शैवाल के साथ साथ क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। इनका जीवन यापन जो होता है वो कवक और शैवाल के साथ साथ होता है। जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन में भी क्रस्टोड लाइकेन, ठीक, इस प्रकार से लाइकेन के कई प्रकार होते हैं। तो उसमें हमने आपको क्या बताया कि जो लाइकेन होते हैं वो खाद्य पदार्थों के भी रूप में आप उपयोग करते हैं, अल्कोहल बनाने में भी आप लाइकेन का उपयोग करते हैं, और इत्र वगैरह के निर्माण में भी कुछ इस प्रकार के लाइकेन होते हैं जिनसे आप इत्र का निर्माण भी कर लेते हैं। तो वो इत्र के निर्माण में भी क्या करते हैं, आपका मदद करते हैं। लाइकेन जो होते हैं वो कवक, जैसे देखिएगा कि जो कवक और शैवाल होते हैं वो एक दूसरे को जैसे ही मदद देते हैं, एक साथ साथ रहने के कारण वो उनकी साथ क्या करते हैं, उनका पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और शैवाल देखिएगा, जो शैवाल होते हैं वो जल तथा कार्बनिक पदार्थ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्या करता है, अवशोषित करता है, भोज पदार्थों के रूप में संग्रह करता है, और वो लास्ट में क्या करता है, कवक को उस भोज पदार्थ को क्या करता था, दे देता था, उनके भोज पदार्थों को, कवकों को पूरी तरह से दे देता था। लेकिन कवक भी उनका किस रूप में सपोर्ट करता था, एक रक्षात्मक आवरण प्रदान करता था शैवाल के लिए। इसी प्रकार से मतलब लाइकेन भी जो होता है उनके साथ साथ जीवन यापन करता है, और वो दोनों इसी वजह से वो दोनों क्या कहलाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने जाना था उस दिन में। आज हम जान लेते हैं कि जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो विषाणु होते हैं उनकी खोज किस पर क्या निकली थी, इवान वस्की नामक वैज्ञानिक ने थी। कब की थी, आपका 1892 ईस्वी में किया था। किसने किया था, तंबाकू में किया था। तंबाकू में किस रोग को देखा तुमने, टोबैको मोज़ेक वायरस के रूप में देखा था, ठीक है ना। उसमें देखा उन्होंने क्या था, कहाँ देखा था, जो तंबाकू की पत्तियाँ थी उनको उसने देखा कि एक तंबाकू की पत्ती है, मतलब पत्तियाँ उनके पास में जो भी वहाँ पेड़ पौधे थे, उन्होंने देखा कि एक इन पत्तियों में एक चितकबरे संरचना के आधार में, चितकबरे रूप में कुछ स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, कुछ संरचनाएँ उनको दिख रही थी। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था क्या कि बीच में ये इस तरह की संरचना स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ठीक। तो उन्होंने इस पर क्या किया, सर्च करना शुरू किया। जब उन्होंने सर्च करना शुरू किया तो उन्होंने देखा क्या कि जो इस तरह की संरचनाएँ थी, पहले तो सबसे पहले उन्होंने किया क्या, अपने लैब में इन पत्तियों को लेकर के गए और इसको बारीक क्या किए, पीस लिए, बारीक इसको पीस लिया, और उसको जीवाणुरोधी छन्नी की सहायता से क्या किया, छान दिया। जब उन्होंने जीवाणुरोधी छन्नी से छाना तो जो उनके पास रस के रूप में बचा था, उस रस को एक स्वस्थ पौधे की पत्तियों पे क्या किया, छिड़क दिया। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा क्या कि वो स्वस्थ पौधे भी क्या हुए, उस रोग से पूरी तरह से रोग ग्रसित हो गए थे, ठीक है। एक मिनट, उन्होंने देखा कि वो स्वस्थ पौधा भी क्या था, रोग ग्रसित हो गया था। तो उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि यह रोग जो होता है ये तो जीवाणुरोधी, मतलब सॉरी, जीवाणु से भी छोटे सूक्ष्म कणों के माध्यम से होता है। इस वजह से बहुत सारे वैज्ञानिकों जैसे बेजरिन ने, लुइस पास्चर ने उस पर क्या किया, सर्च करना शुरू किया, और लास्ट में उन्होंने कहा कि यह जो है जीवाणु तरल संक्रामक रोग है, ठीक है ना। लास्ट में इसको उन्होंने इवान वस्की नामक वैज्ञानिक ने ही कहा, नहीं, ये एक प्रकार का क्या है, वायरस होता है, जिसकी वजह से उसको उनका नाम क्या रख दिया, टोबैको मोज़ेक वायरस के रूप में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो वायरस थे उनको उन्होंने जस्टिफाई किया, मतलब सत्यापित किया कि नहीं, ये ही सही है। आगे हम देख लेते हैं कि वायरस होते क्या हैं, यहाँ से देख लेते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन का क्या था, कैसे बने थे, कहाँ उसका निर्माण हुआ था, और किस प्रकार के उनके अंदर जन्म की क्षमता
प्रकार से होता था, ये सारी चीजें अब हम एक एक प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा कह रहे हैं कि इंटर जो विकास हुआ था सबसे पहले लैटिन भाषा के वायरस शब्द से हुआ था। किससे हुआ था? लैटिन भाषा के वायरस शब्द से हुआ था। उसका अर्थ क्या था? वायरस मतलब पॉइजन या विष। कह रहे हैं कि जो वायरस मिले थे वो प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने, किसके बने थे? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के बने और विकल्पी, मतलब उनमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं नहीं दिखी जिसका उन्होंने नाम रखे, इसलिए उसको अविकल्पी परजीवी, विषाणु, सूक्ष्मदर्शी, मतलब जिसको हम सूक्ष्मदर्शी के ही माध्यम से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी और कोशिकी, मतलब बिना कोशिकाओं वाली संक्रमित कण होते हैं। उन्होंने कहा कि जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, उसके फलस्वरूप वो अविकल्पी परजीवी होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा संक्रमित कण होते हैं। संक्रमित कण क्यों कहा गया? क्योंकि उनके द्वारा आसानी से कोई भी आसानी से डिजीज फैल सकती है, तो वो संक्रामक रोग के रूप में क्या हुए? सामने आए। कह रहे हैं कि इनमें जीनोम के रूप में, कह रहे कि इसमें जो है उनके अंदर वायरस के अंदर जो था वो जीन के रूप में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता था। आपके अंदर गुणसूत्र पाया जाता है ना, सेम उसी प्रकार से उनके अंदर जीनोम के रूप में क्या थे? न्यूक्लिक अम्ल प्रेजेंट थे, ठीक है। लेकिन इसमें डीएनए आरएनए में से, कह रहा है कि जो जैसे ह्यूमन बींग होते हैं उनके अंदर डीएनए तथा आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डीएनए ज़्यादा पूर्ण विकसित होते हैं। और पेड़ पौधे में हम जानते हैं कि आरएनए पाया जाता है, उसी तरह कह रहा है कि जो ये थे वायरस थे उनके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता था, आरएनए भी। इन दोनों में से कोई एक क्या रहते थे? हमेशा प्रेजेंट रहते थे। कह रहे हैं कि ये पोषक कोशिकाओं, मतलब किसी भी ह्यूमन बींग को, किसी भी स्वस्थ मनुष्य की शरीर की कोशिकाओं को जब वो पा लेते थे तो पूर्ण संक्रामक पोषक कोशिका से बाहर, कह रहे हैं कि पोषक कोशिका के अगर वो किसी मनुष्य के शरीर को पा जाते थे वो उनके अंदर प्रवेश करने के बाद अपना क्या करते थे? पूरी तरह से जाल बना लेते थे। लेकिन कह रहे हैं कि जब वो पोषक कोशिका से बाहर रहते थे, उनके शरीर से बाहर रहते थे, वो पूर्ण संक्रामक वायरस कण वीरियन कहलाता था। अभी आपके इर्द गिर्द तो बहुत सारे वायरस घूम रहे होंगे जिसको आप वैसे तो नहीं देख सकते हो, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जब पोषक कोशिका से वो बाहर दिखते थे वो क्या थे? पूर्ण संक्रामक रोग, जिसको हमने नाम क्या दिया था वैज्ञानिकों ने? वीरियन कहा था, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ये जीवित कोशिका के, किस कोशिका के? जीवित कोशिका के भीतर जनन की क्रिया दर्शाते थे। कह रहे हैं कि जब वो, देखिएगा वायरस जब तक वो किसी सजीव को नहीं पाएगा तब तक उनके अंदर जनन की क्षमता नहीं होगी, कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव का शरीर पा जाएंगे, किसी सजीव के शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं, उनकी कोशिकाओं में जैसे ही वो प्रवेश कर जाते हैं उनके अंदर तुरंत क्या होती है? रिप्रोडक्शन की क्षमता आ जाती है। उस तरह से वो क्या होते हैं? नेग्लेक्ट होते हैं, पूरी तरह से मरे हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो मनुष्य का शरीर पाए उनके अंदर क्या होता है? डिविजन की क्षमता आ जाती है, जनन करने की क्षमता आ जाती है। कह रहे हैं कि जीवित कोशिका के भीतर जैसे ही वो जीवित कोशिकाओं को पाए जाते हैं जनन क्रिया को दर्शाते हैं, मतलब उनके अंदर जनन क्रिया क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। या पोषक कोशिका की जैव संश्लेषी मशीनरी का अपने जैसे अनेक विषाणु का निर्माण करती है। कह रहे हैं कि वो पोषक कोशिका की, जो पोषक कोशिकाएं होती हैं उनकी जैव संश्लेषी, मतलब जैव संश्लेषी क्रियाओं के द्वारा उनके अंदर किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसको वो क्या करते हैं? विकसित करते हैं। उन्हीं के माध्यम से वो क्या करते हैं? अनेक विषाणुओं का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना? कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जीवाणु थे, सॉरी वायरस थे, वो क्या थे? जीवित कोशिकाओं पे जनन एकदम जाने की, तो जैसे जीवित कोशिका को पाते थे उनके शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद उनके अंदर जनन क्रिया क्या हो जाती थी? पूर्ण विकसित हो जाती थी। और उनके अंदर इस प्रकार की मशीनरी थी, इस प्रकार का मतलब शेल था जिसके कारण उसके माध्यम से ही बहुत सारे वो वायरस का क्या करते थे?
निर्माण करते थे। कह रहे हैं कि इसका निर्माण, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इसका निर्माण किसने किया था, रूस के वैज्ञानिक इवान वस्की नामक वैज्ञानिक ने, रूस के वो थे, रूस के रहने वाले थे। उन्होंने सन 1892 ईस्वी में तंबाकू, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस ग्रसित तंबाकू की पत्तियों में वायरस की खोज की थी। उन्होंने तंबाकू की पत्ती में जब चितकबरा रोग देखा, धब्बे टाइप की संरचना देखी थी, तो उन्होंने उस पत्ती को तोड़ करके पीस करके जीवाणुरोधी छन्नी से छान करके जो रस मिले थे उनको वो स्वस्थ पत्तियों पे छिड़क दिए थे, और लास्ट में उन्होंने देखा कि वो पत्ती भी क्या हुई, उस रोग से ग्रसित हो गई थी। ठीक ना, तो किसी ने कुछ नाम दिया, किसी ने कुछ, लेकिन बाद में इवान वस्की नामक वैज्ञानिक ने ही किया कहा कि अतः यह रोग जो होते हैं ये जीवाणु से भी सूक्ष्म कणों के द्वारा ही विकसित होते हैं, इस वजह से ये उनका नाम क्या रखते हैं, वायरस रखते हैं। कह रहे हैं कि रिट्रोवायरस, वायरस में आपका रिट्रोवायरस जो होते हैं वो ऐसे आरएनए विषाणु होते हैं, मतलब इनके अंदर क्या होते हैं, आरएनए विकसित होते हैं, आरएनए विषाणु होते हैं जो पोषक निष्क्रिय आरएनए का के द्वारा, मतलब जो जैसे ही पोषक के शरीर में प्रवेश करते हैं ये उनके शरीर में प्रवेश करने के बाद आरएनए को डीएनए में क्या करते हैं, बदल देते हैं, मतलब आरएनए के द्वारा ही वो डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। कौन, रिट्रोवायरस। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो पोषक के शरीर में पहुंचने पे आरएनए द्वारा डीएनए में चेंज हो जाता है, तो रिट्रोवायरस उस प्रकार का है। ठीक है ना, अब हम जान लेते हैं कि विषाणु की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस क्या होते हैं। ठीक, आगे आप लोग देखेंगे तंबाकू की संरचना, अपोषकी होते हैं, संक्रमित कण होते हैं, मतलब रोगों को फैलाने वाले कण होते हैं। करें कि सभी विषाणुओं के केंद्र में जितने भी वायरस होते हैं उनके सेंटर पोर्शन में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, किसके रूप में, आनुवंशिक पदार्थ कौन होते हैं, डीएनए है, आरएनए, तो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक न्यूक्लिका में पाया जाता है। कौन, आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए और आरएनए होते हैं उनमें से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें वायरस में। ठीक, कह रहे कि इस आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर, किसकी चारों ओर, जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनकी चारों तरफ एक लेयर होती है अंदर, डीएनए और आरएनए की जो संरचनाएँ होती हैं उनके चारों ओर प्रोटीन कवच पाया जाता है। देख लीजिएगा चारों तरफ आपको एक आच्छाद कोट देख रहे दिख रहा होगा जो प्रोटीन का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनके चारों तरफ क्या होती है, प्रोटीन की कवच पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। क्वेश्चन पूछता है एक नंबर में, कैप्सिड किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, डीएनए और आरएनए के, या सीधे कह लीजिएगा कि आनुवंशिक पदार्थों के चारों तरफ पाए जाने वाला प्रोटीन की जो सुरक्षात्मक आवरण होती है, जो सुरक्षात्मक कवच होती है, वो ही कैप्सिड कहलाती हैं। ठीक, आगे देख लीजिए कि जो जंतु वायरस होते हैं, अभी आपको बता दिया गया कि जो जीवाणु होते हैं, एनिमल वायरस जो होते हैं उनमें डीएनए तथा आरएनए दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दोनों पाए जाते हैं, तथा पादप विषाणुओं में आरएनए पाया जाता है। जबकि जो पेड़ पौधे वाले वायरस होते हैं, जो पेड़ पौधों में पाए जाने वाले वायरस होते हैं, उनमें केवल क्या होते हैं, आरएनए प्रेजेंट होते हैं। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु खोजी कहलाता है। कह रहा है कि ऐसा वायरस जो जीवाणु को क्या करते हैं, पूरी तरह से ग्रसित कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जीवाणु खोजी कहलाते हैं। याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज, उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। T4 बैक्टीरियोफेज की संरचना टैडपोल के समान प्रतीत होती है। टैडपोल क्या होते हैं, मेंढक का बच्चा, तो उनके समान क्या होती है, ये प्रतीत होते हैं, जिसमें बहुकोणीय शीर्ष, अभी ये आपके सामने दिख रहा होगा, देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे कोण वाले क्या होते हैं, शीर्ष पाए जाते हैं।
ये रहा आपका एक, तो एक दो तीन चार पाँच, और नीचे आपका उनका पूंछ है जिसमें उनमें बेसल प्लेट लगी हुई है, कुछ तंत्र लगी हुई हैं। इस प्रकार से वो क्या है, बहुत सारी संरचनाओं वाली हैं। तो कह रहा है कि जो टैडपोल के समान की इनकी संरचना होती है वो क्या होती है, बहु कोड़ीय होती है, बहुत से कोड़ वाली होती हैं। ठीक है, एक कुंडलित पुच्छ से जुड़ी रहती है, एक कुंडलित पुच्छ से क्या है ये जुड़ी हुई है। देखिएगा यहाँ पर तो ये पुच्छ वाला है क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, कुंडलित पुच्छ से जुड़ी होती है। कह रहा है कि शीर्ष वाला भाग जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण, अभी हमने वहाँ भी बता दिया आपको कि जो शीर्ष वाला इसका भाग है, चारों तरफ से देख लीजिएगा इसके बीच में है आपके, तो जो शीर्ष वाला कोश होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन आवरण से घिरा रहता है। प्रोटीन आवरण को क्या कहा गया है यहाँ, कैप्सिड। तो किससे घिरा हुआ है, कैप्सिड से घिरा हुआ है। कौन घिरा हुआ है, शीर्ष वाला भाग घिरा हुआ है। कह रहे हैं कि फोर जीवाणु रोधी की कुछ प्रोटीन से निर्मित एक नलिका रूपी संरचना होती है, जीवाणु रोधी यही है। तो इनकी जो पूंछ है, देखिएगा पूंछ यही है, इनकी जो संरचना निर्मित है पूंछ, उसमें प्रोटीन की बनी एक नलिका रूपी संरचना। देखिएगा नलिका रूपी कहाँ संरचना आपको दिख रही है, ये वाले स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं पीछे, यहाँ स्पेस आपको दिख रहा होगा पूरा, पूरी तरह से आपको स्पेस जुड़ा है, यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है दोनों तरफ। ये क्या है, एक पूंछ की तरह की संरचना है, पूंछ के तरह की स्ट्रक्चर्स हैं जिनके चारों तरफ क्या है, प्रोटीन की निर्मित प्रोटीन से बनी हुई नलिका युक्त संरचना है। नलिका मतलब नली के समान की संरचना है, जिसको चारों तरफ से मतलब जिनका केंद्रीय भाग जो होता है क्या है, मोटी होती है, जिनको चारों तरफ से एक मोटी परत के द्वारा क्या होती है, वो घिरी होती है। विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश करता है और कोशिका की उपापचयी क्रियाओं का उपयोग करके, कह रहे हैं कि विषाणु जो होते हैं जैसे ही जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं उनकी उपापचय क्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं, उपापचय क्रियाएं जो होती हैं उनका उपयोग करके वो स्वयं की प्रतिकृति बनाते हैं, स्वयं की संरचनाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। समझ में आया, शायद अभी नहीं आया होगा तो एक बार और आप देख लीजिए कि क्या ये कह रहा है। बिल्कुल सिंपल सा है, अगर हम अपने लैंग्वेज में, ये तो हमने यहाँ से समझाया ना, जनरली हम कह लेते हैं कि जो विषाणु होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी की ही सहायता से देखे जाते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी के, बिना माइक्रोस्कोप के वो नहीं देखे जा सकते हैं, वो अकोशिकीय होते हैं। ठीक, वो अकोशिकीय होते हैं और संक्रमित रोग होते हैं, संक्रमित कण होते हैं जो संक्रमित रोग को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो जितने भी वायरस होते हैं उनके सेंटर पोर्शन में क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। उस न्यूक्लिक अम्ल के रूप में कौन वहाँ उपस्थित होता है, डीएनए तथा आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, डीएनए तथा आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। कहें कि इस अनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए चारों तरफ देख लीजिए, चारों तरफ एक वो प्रेजेंट है तो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन आपका फिक्स हो गया, ये पोर्शन डीएनए तथा इनके अंदर जो है डीएनए तथा आरएनए स्थित है, इनके चारों तरफ से क्या है, एक प्रोटीन की लेयर बनी हुई है, प्रोटीन की कवच है जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ठीक, जीवाणु भोजी कहलाएंगे।
और आपसे अगर क्वेश्चन अगर ये बन जाए एक नंबर में कि जीवाणु था सॉरी जीवाणु में कौन से न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, तो जीवाणु में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं, जबकि पादप में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ आरएनए पाया जाता है। ठीक है ना। जीवाणु यौगिक की संरचना किस प्रकार की होती है, टैडपोल के समान होती है, उसमें पाया जाने वाला जो शीर्ष होता है वो बहुकोणीय होता है और बहुकोणीय तथा वो कुंडलित होता है, कुंडलित मतलब आपस में बंधा हुआ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना। शीर्ष भाग में न्यूक्लिक अम्ल, कह रहे हैं कि शीर्ष वाले पोर्शन में जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो प्रोटीन आवरण से क्या रहता है, घिरा रहता है। प्रोटीन आवरण के चारों तरफ क्या होती है, प्रोटीन आवरण होती है, वो उनसे घिरी रहती है। और जो P4 जीवाणुभोजी होती हैं वो पूंछ, उनकी जो पूंछ वाली संरचना होती है वो भी प्रोटीन की ही बनी होती है, लेकिन उनके बीच में एक नलिका के समान की क्या होती है संरचना पाई जाती है, जिसकी केंद्रीय भाग क्या होती है मोटी परत से घिरी रहती है। देख लीजिएगा बीच में नलिका के समान संरचना है और इनके बाहर की ओर क्या है ये मोटी आवरण से घिरी हुई स्ट्रक्चर्स है। इस प्रकार से ये एक मोटी आवरण से क्या हुई है घिरी हुई है। कह रहे हैं कि विषाणु जीवित कोशिकाओं में, जैसे ही वो विषाणु एक जीवित शरीर में क्या करेगा इंटर करेगा प्रवेश करेगा, उनकी उपापचय क्रियाओं से वो क्या करेंगे भोज पदार्थ का उपयोग करके, मतलब उपापचय क्रियाओं के द्वारा जो भी वहाँ निर्मित पदार्थ होंगे उनका उपयोग करके वो अपनी संरचना में बदलाव लाएगा। ठीक है। अपना एक नया प्रतिरूप, अपना एक नया रूप बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं विषाणु कहते हैं। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि जो विषाणु होते हैं उनका उनके लक्षण क्या होते हैं। ठीक ना, इसके बारे में हम जान लेते हैं बस थोड़ा सा। हेडिंग क्या पड़ेगी, विषाणु की विशिष्ट लक्षण। आगे हम देख लेते हैं कि जो विषाणु क्या होते हैं, कि विषाणु क्या होते हैं जीवाणुभोजी होते हैं। कह रहे हैं कि विषाणु के आकार में जो जीवाणु से भी छोटे कण होते हैं, विषाणु मतलब कह लीजिए कि संरचना में जो विषाणु होते हैं वो जीवाणु से भी क्या होते हैं काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, इसकी वजह से उनको क्या कहा गया कि वो अकोशिकीय होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी कोशिकाएँ इस तरह से प्रेजेंट नहीं होती। क्या कहते हैं इनमें न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं, कि जो विशिष्ट लक्षण है जो मुख्य है इनमें क्या क्या पाए जाते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। इनके अंदर जो होते हैं अविकल्पी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर जो होते हैं अविकल्पी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स परजीवी की भाग ये होते हैं। कह रहे हैं कि इसमें विषाणु जो होते हैं उपापचय क्रियाओं से संबंधित, मतलब उनके अंदर उपापचय क्रियाओं को करने के लिए इस प्रकार के कोई भी न तो एंजाइम होती हैं और ना ही प्रोटीन होती हैं। ठीक ना। तो ये इस प्रकार से वो उनके अंदर इस प्रकार का कोई तंत्र नहीं पाया जाता कि वो एंजाइम भी सीक्रेट कर लें और प्रोटीन भी सीक्रेट कर लें। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि वायरस क्या होते हैं, कि वायरस जो होते हैं जीवाणु से सबसे सूक्ष्म संरचना वाले जो हैं कण होते हैं जो पूरी तरह से संक्रमित कण के रूप में होते हैं और ये संक्रमण को आसानी से फैला लेते हैं, मतलब ये लोगों तक अपने कह लीजिए कि अपने प्रकोप को तेजी से फैला लेते हैं और इनका जो आच्छादन होता है मतलब सॉरी इनके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो आरएनए तथा डीएनए, डीएनए तथा आरएनए दोनों होते हैं, जबकि दोनों में से कभी कंडीशन में कभी डीएनए आ जाते हैं और कभी आरएनए आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कुछ पोषक इस प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार के वायरस होते हैं जो अपने आप को क्या करते हैं
चेंज करके बदल करके वो क्या करते हैं, आरएनए द्वारा ही डीएनए के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, आप प्लीज़ नोट्स अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू।